गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सर माय थैंक यू एवरीवन, दिस इज विनीत कुमार। यहां तो आज इस वीडियो में हम सीखते हैं बेहतरीन तरीके से कुछ हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूं, मैं स्विमिंग में अच्छा हूं, मैं रीडिंग में अच्छा हूं, मैं ड्राइंग में अच्छा हूं, तो ऐसे हिंदी सेंटेंस को किस तरीके से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले आपको लिखा आई एम गुड बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं आई एम गुड एट, जो भी आगे बोलना होगा सब्जेक्ट उसको, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट मैथ्स, ओके। आप मैं चित्रकला में अच्छा हूं, तो आप इसको देखिए आई एम गुड एट कहां को प्रयोग करेंगे, जब वहां पे आप लोग कंफर्टेबल मतलब उस काम को, उस चीज को, उस जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आप महारत हो, आपको महारत हासिल है, मतलब कंफर्टेबली आप करने में एकदम आप फिट हो, तो वहां पे आप सीखेंगे आई एम गुड एट, आई एम गुड एट, बोलो आई एम गुड एट, ओके। मैं चित्रकला में अच्छा हूँ, क्या लिखना है आपको, मैं चित्रकला में अच्छा हूँ, तो आपको लिखना है आई एम गुड एट ड्रॉइंग, आई एम गुड एट ड्रॉइंग, मैं चित्रकला में अच्छा हूँ, ठीक है। मैं तैराकी में अच्छा हूँ, मतलब आप तैराकी क्या कंफर्टेबल आप कर लेते हो, आई एम गुड एट स्विमिंग, आई एम गुड एट स्विमिंग। मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट रीडिंग। मैं खेलने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट प्लेइंग। मैं बात करने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट टॉकिंग, ओके। मैं गणित में अच्छा हूँ, मैं गणित में अच्छा हूँ, मैं साइंस में अच्छा हूँ, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, तो ऐसे हिंदी सेंटेंस को आप इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम गुड एट मैथ्स। अब यहाँ पे एट की जगह पे आप एम की भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एट और एम में क्या डिफरेंस है ये जानने की कोशिश करते हैं। एट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ओवरऑल मैथमेटिक्स की बात हो रही है, कि ओवरऑल मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट्स है आपका, जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उस सब्जेक्ट में आपका आपको बहुत ही एक्सीलेंट हो, बहुत ही बढ़िया हो, तो वहाँ पे आप बोलेंगे आई एम गुड एट मैथ्स, मैं मैथ में अच्छा हूँ, लेकिन आई एम गुड इन मैथ, मैं मैथ में अच्छा हूँ। जैसे कोई क्लासरूम में 2-4-5 बच्चे हैं, उसमें आप बेहतरीन कर लेते हो उनमें, तो आप कहेंगे आई एम गुड इन मैथ, मैं मैथ में अच्छा हूँ, लेकिन ओवरऑल सब्जेक्ट की बात हो, जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है उस सब्जेक्ट में आप एक्सलेंट हो, तो आप बोलेंगे आई एम गुड एट मैथ, आई एम गुड एट साइंस, आई एम गुड एट इंग्लिश, तो आप ऐसे प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जिस चीज को आप कंफर्टेबली डूइंग कर ले रहे हो, कंफर्टेबल भी आप उसे कंप्लीट कर पा रहे हो, तो वहां पे आपको बोला है आई एम गुड एट, और उसके बाद जो भी आगे होगा आप उसे एड करके बना देंगे, ओके। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और इस तरीके की हिंदी सेंटेंस को जैसे हम लोग अक्सर अपनी बोलचाल में इसका यूज करते हैं, आई एम गुड एट मैथ, आई एम गुड एट साइंस, आई एम गुड एट रीडिंग, आई एम गुड एट ड्राइंग, आई एम गुड एट ड्राइंग, आई एम गुड एट टॉकिंग, सो ऐसे हिंदी सेंटेंस को जिसको हम लोग अक्सर बोला करते हैं, तो ये बहुत ही यूजफुल स्ट्रक्चर है, जिससे फुल स्ट्रक्चर के द्वारा आप अपनी इंग्लिश को बेहतरीन कर सकते हैं, ओके। थैंक यू टू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।